क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर आया संकट टल गया है या बीजेपी का मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल के जरिए कमल की सरकार बनाने का ऑपरेशन मुरझा गया है। कांग्रेस की माने तो ऑपरेशन कमल मुरझा गया है, मगर बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि अभी तक बेंगलोर गए कांग्रेस के विधायकों से कांग्रेस नेताओं का संपर्क नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश शाजपूत है। एबीपी अनकट में बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक की। दरअसल मंगलवार की रात कमलनाथ सरकार पर भारी रही। जैसे ही रात में 11 बजे ये पता लगा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों, साथ में कुछ निर्दलीय और सपा बसपा के विधायकों को बीजेपी के नेताओं ने गुड़गांव के पास मनेसर में एक बड़े 5-स्टार होटल में बंधक बना के रखा हुआ है, तो इसकी जानकारी मिलते ही कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, उनके बेटे कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह और कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी उस 5-सितारा होटल में पहुंचे और उन्होंने उन तमाम विधायकों को बाहर लाने की कोशिश की, मगर तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद, धक्का मुक्की, मारापीटी के बाद कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से जुड़ी बीएसपी की जो एमएलए हैं रामबाई, उनकी बेटी को ही वहां से बाहर निकाल पाए और बाकी के जो 4 और कांग्रेस के विधायक थे वो उनके सामने ही बीजेपी के नेता बेंगलोर के लिए ले गए। देर सुबह होते होते कांग्रेस का दावा था कि बाद में 3 और कांग्रेस के जो एमएलए हैं कांग्रेस के पक्ष में आ गए, यानी कि दिल्ली में मध्यावध कांग्रेस के खेमे में पहुँच गए। कुल मिला के पता ये लगा कि जिन 8 विधायकों को वहाँ पे बीजेपी के नेताओं ने बुलाकर पैसा ऑफर किया था और उनको बंधक बनाने की कोशिश की थी, उसमें से 4 विधायक कांग्रेस के पास आ गए और 4 विधायक उनके सामने ही बेंगलोर ले गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, जिसमें बड़े पैमाने पर 25 से 30 करोड़ रुपये बांटे जा रहे हैं। हालांकि वहां पर एक दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए थे इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए, मगर जिन 2 लोगों का नाम चल रहा है जिनकी निगरानी में बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन किया जा रहा है, उनमें नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के एमएलए अरविंद भदौरिया का नाम सामने आया। भोपाल लौटते ही शिवराज ने इस पूरे एपिसोड से पल्ला झाड़ा, कहा बीजेपी के इस एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के विधायक जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वो केवल अपने अंतर्विरोध के चलते कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ रही है, कांग्रेस की सरकार गिरेगी, ये उन्होंने जरूर दावा किया, मगर ये कहा कि इससे बीजेपी का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे हमको देखना होगा कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसी महीने के आखिर में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस 2 सीटें आराम से जीत रही है, बीजेपी के पक्ष में 1 सीट आ रही है। मगर बीजेपी का खेल ये था कि वो अपना एक दूसरा प्रत्याशी खड़ा करके कांग्रेस के कुछ विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा के उनको पैसे दे के अपने पाले में लाके एक क्रॉस वोटिंग होती और अपनी दूसरी सीट जीतती, और ये जो कांग्रेस के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की होती उनको उनकी सदस्यता निष्कासित होती और उनको बाद में इस्तीफे देने पड़ते, जिससे फिर बीजेपी ये दावा करती कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। मगर कांग्रेस के नेताओं ने और सरकार ने जो बीएसपी की विधायक थी रामबाई, उसकी लोकेशन ट्रेस करते करते वो गुड़गांव तक पहुंच गए और इन सारे एपिसोड, पूरे जो खेल चल रहा था पर्दे के पीछे, उसका भंडाफोड़ कर दिया और देर शाम तक भोपाल में वो 4 विधायक जिनको कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह छुड़ा के लाए थे कमलनाथ से मिलने, भोपाल के सीएम हाउस पहुँच भी गए। मगर क्या ये ऑपरेशन अभी जारी है या ऑपरेशन खत्म हो गया, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये पूरा खेल राज्यसभा चुनाव के लिए रचा गया था और राज्यसभा का चुनाव और आने वाला मध्य प्रदेश में जो बजट सत्र है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और घात प्रतिघात सरकार गिराने बचाने की राजनीति आने वाले दिनों में चलती रहेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।